अज असी सुखमनी साहब बाणी की जिहड़ी 20वीं अष्टपदी है ते उस दे नाल जिहड़ा श्लोक है उस दे विचार असी सांझी करन जा रहे हाँ। वाहिगुरु जी रहमत करन, बख्शिश करन, असी इस बाणी नूं चंगे ढंग नाल समझण दा यतन कर सकीए। सतगुरु जी बख्शिश करदे हन श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरण आए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। इस श्लोक दे विच एक बेनती है, एक अरदास है, ते बेनती भी उस समय है जो मनुख ने अपना सारा जोर लगा के वेख लिया, जो भटक भटक के ओदी बस हो गई, जो उन्हें सारा कुछ घोक पड़ताल करके भी इधरों आनंद मिल जाएगा, उधरों आनंद मिल जाएगा, सारा कुछ करके वेख लिया, फिर पता लग गया भी मैं गलत हाँ। चेते रखना, सब तो पहला यह पता लगना चाहिए कि मैं गलत हाँ, तां असी अरदास करांगे। हले च असी अपने दिमाग दे नाल जो सानू सही लगता है, जो असल विच है मन मत है, जो चंगा रस्ता नहीं है पर सानू चंगा लगता है। देखो ना, कई नशियां दे विच ही अपना जीवन बतीत करते ने, वह कहते जिंदगी यही है। कई विचार दे विच अपना जीवन बतीत करते ने, उन्हें लगता ऐश यही है। खान पीन दे विच कईयां ने अपनी उम्र गुजार दिती है, उन्हें लगता जीवन मनोरथ यही है। वो तो दूजियां नूं भी कहिंदे हैं खाओ पियो ऐश करो। यह अरदास उन्हां दे मन विचों नहीं निकल सकती, ये उन्हां दे अंदरों अरदास है जिन्हां नूं पता लग गया कि मैं भटक भटक के कुछ भी प्राप्त नहीं किया। फिर वो कहते ने फिरत फिरत प्रभ, इत प्रभ संबोधन है, प्रभ के भब्बे नूं औंकण नहीं पिया होया, आवाज मारनी है। सो जो ये श्लोक पढ़ीए ना उदो सचमुच असी रब नूं आवाज मारीे ते अपने अंदर की हालत बयान करिए, हे प्रभु जी, हे रब जी, मैं भटक भटक के आ गया हूं तेरे को। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरण आए। हुण असी है तो विछड़े हुए हैं ना, तेरे को विछड़ के अपनी मन मत दे मगर लग के बड़ा खवार होया, कुत्तियां बिल्लियां सूरां दी तरह जीवन बतीत किया, पता नहीं कई जूना विच मैं भटक गया, पर सच्चे पातशाह मैं हुण आ गया तेरे दर दे उत्ते। मेरिया मालका रहमत करी, मैं बड़िया टकरा मारिया, बड़िया ठोकरा खादिया, मैं आ मनुखा जन्म ते मिल गया ना, मनुखा जन्म धार के भी मैं बस माया इकट्ठा करन दे विच, धन इकट्ठा करन विच, महल माड़िया नूं इकट्ठा करन दे विच थक टुट गया। सब कुछ करके मैं वेख लिया, मैनू सुख किधरों भी प्राप्त नहीं होया, बहुत कमाया धन पदार्थ, बहुत महल माड़िया मेरे को हैगियां ने, पर वो परम सुख नहीं है, परम आनंद नहीं है, ते मैं आ गया तेरे कोल हुण। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरण आए, हुण तेरी शरण विच आके पै गया, भाव हुण वो सुख नूं लैण वास्ते मैं सारिया दे आसरे छड़ के तेरे आसरे विच आ गया हूं, तेरी शरण विच आया, तेरी कृपा तो बिना तो हुण मिलना कुछ नहीं। इस करके नानक की प्रभ बेनती, हे प्रभ जी, हे रब जी, नानक दी ये बेनती है, ये अरदास है, अपनी भगती लाए कि मैं अपनी भगती विच जोड़ दे। कैसी गल है ना, भगती मैं करनी है पर अरदास रब अगे सच्चे पातशाह मैं तू ला लै अपनी भगती विच। जिवें एक जानवर का रस्सा कोई खोलेगा ना ताइयों घूम सकदा है ना,
आप तो खोल नहीं सकता। इस तरह यह माया के संगल साढ़े गल विच बन्ने हुए ने। इच्छा तो होवे इन्हां तो छुट्टण दी, तां ही अरदास करांगे सानते वधिया ही लगी जा रहे, चंगे लग रहे हैं सानू। नानक औगुण जेतड़े तेते गली जंजीर। हुण जे सानू पता लगे काम खराब करने वाले ने, फिर तो अरदास करांगे खोल ए संगल, कमजोरियां दूर कर, अपने प्यार विच जोड़। असीं रोज पढ़दे हां विण गुण कीते भगत ना होए। सच्चे पातशाह जे तू मेरे विच गुण ना करे, बिना तेरे गुण कीतिया मेरे विच मेरे तो भगती हो भी नहीं सकती। इत्थे भी उही गल, अपनी भगती लाए सच्चे पातशाह, अपनी भगती विच ला, मैनू सुमत दे कि मैं तेरा लाड़ फड़ी रखा, तेरी सिफसला रज के करा, तेरे गुणा नू मैं गायन करदा रहा, तेरे हुक्म दी मैं पालना करा, तेरी रजा विच रहा। अरदास करिए ना। देखो ऐसे बचन असीं पढ़दे हां, बोते फेर भए किरपन को, अब किस किरपा की जाए। ए अंदरों अरदास निकले, सच्चे पातशाह बड़े फेर पए, बड़ा भटकना जीवन दे विच, हुण ते किरपा कर, हुण ते मेहर दी दृष्टि कर, हो दयाल, तू दयालु हो मेरे उते, दर्शन दे हो अपना, मैनू अपना दर्शन बख्श दे, ऐसी बख्श करी जाए सच्चे पातशाह, एहो जी बख्शिश मेरे उते कर दे। हुणे अंदरों निकले अरदास, अंदरों सानू पता लगे कि मैं की प्राप्त करना है ते की छड़ना है। अपने औगुण पता लग गए, इन्होंने मेरा काम बिगाड़िया, ते अरदास करिए पिछले औगण बख्श लए, विश्वास करिए इस दे उत्ते। रब ये नहीं वेखेगा वी ते बड़ा विचारी है, ये ते कृपा ही नहीं करनी, ना, वो बख्शिंद है। साड़ा पिछला जीवन नहीं वेखेगा भी की करदा रहा। इस करके आओ पहुंचो रब जी कोल, ओदी शरण विच चलीए, क्योंकि उहदा सुभा है पिछले औगण बख्श ले, प्रभ आगे मार्ग पावै, मार्ग ते पावेगा। ओ अरदास करिए अपनी भगती लाए। हुण इहनूं थोड़ा जिहा होर गहराई नाल समझण दा जतन करिए, होंदा की है साडे नाल भला, सोचिए भी साडे नाल होया की है। मैं एक उदाहरण दवां, पानी दा एक कतरा है, ओ अपने प्रीतम समुंदर दे विच है, भाफ दे रूप दे विच हवा दा पल्ला पकड़ के ओ इस संसार दी सैर करन वास्ते निकलदा है। इस संसार दी मोह माया दे विच वेख के ते इक त्रेल दा रूप लै के, त्रेल जानदे होवोगे, ड्यू, त्रेल दा रूप लै के ते इक फुल दी पंखड़ी दे उत्ते जाके डिग पैंदा है। बड़ी खुशबू है फुल दी पंखड़ी दी, बड़ी कोमल है उसकी सेज। हुण हवा उसनू कहिंदी है भी तेरा ये रूप, तू चल मेरे नाल, तेरा टिकाणा नहीं है वाला, तेरी ये थां नहीं है। पर नहीं, ये तो कितनी खुशबूदार है, कितनी मखमली है, ते सूरज दी थोड़ी जी किरण पई चमक उठिया, खूबसूरत हो गया। त्रेल दा तुपका कदे देखना बड़ा सोहना लगता है। ऐदे मनुख अपनी जवानी दे माण दे नाल, अपने रूप दे माण दे नाल है, ते राम की अंश है ना, पर इह संसार रूपी फुल दे उत्ते आके बह गया, ते अपने आप नूं बड़ा सोहना, बड़ा खूबसूरत, वापस जाना ही नहीं चाहुंदा। ते अचानक एक पंछी लंघिया, ओदे खम्मा दे नाल छो होई फुल्लां दी, फुल कंबिया ते त्रेल दा तुपका डिग पिया। ते डिगया किथे, थले एक पानी दी कोई ना कोई कूल कह लो, कोई ना कोई नाला कह लो, कोई ना कोई नाली कह लो, वग रही सी, ओदे विच जाके डिग पिया।
बस शुरू हो गया भटकना, इधरों उधर उधरों उधर इधरों उधर। बिल्कुल इसे ढंग दे नाल मनुख का जीवन भी है ते रब रूप है ना, है ते मालक दे विच्चों ही आया है ना, पर विछड़ गया। विछड़ के ते ऐसा डिग्गिया इस मोह माया दी नदी दे विच भटकना शुरू, कदे इधर कदे उधर कदे उधर। इन कहना पिया बंदा बन, बंदा बंदा बनता ही नहीं, ये जानवरां दी तरह जीवन बतीत करता है, करतूत पशु की। यह मनुखा जीवन विच भी कई जूना भोग जाता है। तो हिंदुस्तान दे विच ये भी एक ख्याल बड़ा प्रचलित रहा धन गुरु साहब तो पहला चलता है भी मनुख बड़िया जूना विचों निकलता है, मुकदी गल भटकना है जीवन दे विच, कदे किधर कदे किधर। मैं तो कई बार बाणी पढ़ना है, मैनू इस तरह लगता है जिवें कोई विछड़ जाए ना अपने मापियां तो, ते पहली गल तो उन्हें एहसास होवे मैं विछड़िया तां ही रोला पाएगा, तां ही रोएगा, तां ही पता पुछेगा दूजियां कोलों। हुण जिहड़ा बच्चा विछड़ ते गया अपने मापियां कोलों, उंगल ते छड़ दित्ती अपने पिता दी, पर उन्हें एहसास ही नहीं मैं विछड़िया, वो मेला ही वेखी जांदा है, खुश होई जांदा है। साडा भी इसे तरह ही नहीं, कदे एहसास होया कि असीं रब तो विछड़े हाँ। मन तू जोत स्वरूप है, कदे चेता आया नहीं आया, कदे अंदरों तड़प जागी है काल पुरख वाहिगुरु मैं विछड़ गया तेरे को, होया कह किरत कर्म के विछड़े, पर एहसास नहीं होया। एहसास होंदा ते उन्हूं मिलन दी तांग पैदा हुंदी, बिरहा पैदा हुंदा। भगत जी कहिंदे जिस तन दे विच बिरहा नहीं ना पैदा हुंदा ओ तन ते शमशान घाट है। बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तू सुल्तान। हुण बड़ा जरूरी है बिरहा होना। बिरहा कदों हुंदा है? जदों विछोड़े दा एहसास होवे ते मिलन दी आसा होवे, उदों बिरहा है। ना सानूं पता असी विछड़े हाँ, ना मिलन दी तांग है, बिरहा साडे अंदर है ही नहीं। जब तक बिरहा नहीं तद तक मिलाप नहीं, तद तक अरदास नहीं, तद तक पुकार नहीं है साडे जीवन दे विच। ते भगत जी कहिंदे जिस तन दे विच बिरहा नहीं है ना वह तो शमशान है। हुण शमशान विच ते जीवन नहीं है, उत्थे तलाशा ही है। ऐसी अध्यात्मक जीवन साडा तां ही नहीं हैगा क्योंकि बिरहा ही नहीं है जीवन दे विच। हुण मेरे मालक समझा रहे हैं कि जीव जिहड़ा हैगा है ना विछड़ गया, उहनूं ते माया दी उंगल पकड़ के उही चंगी लग रही है। पिता दा तां ख्याल ही नहीं, किसे होर दी उंगल पकड़ के तुरिया मस्ती दे नाल भी इह चंगा है इह वधिया है। रोया नहीं कदे, अरदास नहीं हुई, भुल ही गया। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਚੇਤੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਚੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚੇਤੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਟਕਦਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਟਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारे, इस माया दे मोह दे करके उहदे चरण विसर गए। कुछ चेते नहीं रब दे बारे, माया बारे सब कुछ चेते है। फिर होया कि कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। इंसाना दे वांगू जीवन नहीं बतीत किया, जानवरां दे वांगू बतीत किया, भटक भटक के असी आए।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇਸ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸਹੀ ਕਸੂਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਰਪ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਔਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੱਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਤੂੰ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੂਕਰ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਔਤਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਅਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਪ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਹੋਰੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਾਵਰਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਧਨ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੇ, ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਘਬਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਗਲ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹਦੇ ਸੰਗਲ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਵਧਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਧੀ ਗਏ। ਛਿਵੇਂ ਕਾਮਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਨਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਏ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਛਿੰਨ ਛਿੰਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਨੀ ਹੋ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਟਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਮਹਿਲ ਮਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੈ ਧਨ ਖਾਟੇ। ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਧਨ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਸ ਧਨ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਨ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਢੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਢੰਗ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੰਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੁੱਠੀ ਫੜ ਲਵੇ, ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਰਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦਾ, ਏਦਾਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਚੁਣੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਲਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ,
साबण लाला धोता कोला दुध दही विच पाया। फिर सोचा दुध चिट्टा है दही चिट्टा है उहदे विच ही पा दी, हुण दुध भी महंगा है दही भी महंगा है, पर की कोले दे रंग वटा लिया? नहीं, तरीका गलत है। साबण लाला धोता कोला दुध दही विच पाया, खुम चाड़ रंगण भी धरिया रंग ना उस वटाया। सोचिया भी असीं कपड़िया नूं रंग करदे सी, खुम चाड़ के इहनूं भी इद्दी कर लईए, पर फिर काले दा काला ही रहा, कपड़िया वांगू रंग नहीं चाड़ सके दे उत्ते। फिर किसी सियाने ने कहा भलिया तू ए देख काला होया क्यों है, कारण लब। फिर समझ आ गई विछड़ के कालख सी आई, ए विछड़ गया अग नालों, जिवें विछड़े अग दे नालों एदे ते कालख आ गई। बस काम यही है भी एदा मिलाप करा दो अग दे नाल, हुण कोई खर्चना नहीं पेगा कुछ भी, सिर्फ कोला चुक के अग दे कोल रखना है बस। विछड़ के कालक सी आई बिन मिलिया नहीं लेंदी, अंग अग दे ला के वेखो चढ़दा रूप सवाया। जिवें ही अग दे कोल रखिया कोला थोड़ी देर विच लाल हो गया उहदा मूंह, रंग बदल गया, क्योंकि तरीका ठीक सीगा। बिल्कुल इसे ढंग दे नाल परम आनंद दा तरीका इको ही है। ए माया रूपी नागनी सानू क्यों डस रही है, क्यों दुखदाई कर रही है? क्योंकि विछड़ गए अपनिया करतूतां करके, अपनिया किरत कर्म के विछड़े, अपनिया करतूतां अपने औगणा करके। तरीका एक ही उहदे नाल मिल जाइए, बस उहदी शरण विच आ जाइए, आपे ठीक हो जाएगा सब कुछ। हुण जदों इह गल समझ आउंदी है ना, उदों फिर इहो जी अरदास मनुख दे अंदरों निकलदी, क्योंकि उहनूं पता लग जांदा है खसम छोड़, कारण की होया सी, मैं खसम नूं छड़ दिता सी, दूजा लगे किसे दूजे नाल जुड़ गया सी, ते होया कि डुब्बे सेवन जा रहा, डुबना ही सी, दुखदाई होना सी, खसम दे नालों असीं दूजे पासे क्यों चले गए? पिता दे नालों विछड़ के लालच वस किसे चोर ठग दी उंगल क्यों पकड़ी? ते दुखदाई होना ही सी ना। कई बच्चों को भिखारी बना दिता गया हाथ पैर वढ़ के, उन्होंने कई ने अपने माता पिता की उंगल छड़ के किसी दूजी की उंगल फड़ ली सी, कादे वास्ते? किसी ने टॉफी विखाई, किसी ने चॉकलेट विखाई, बस चॉकलेट वेख के तुर गए उहदे वल, टॉफी दे के तुर गए उसे वल, बस असी भी इदां ही आ। असी धर्म नूं छड़ दिंदे आ, रब नूं छड़ दिंदे आ, ते माया दीआं टॉफियां वेख वेख के। हुण जिस वेले असली रूप सामने आउंदा है ना, जे बच्चा तो सोचा सी ये आंटी बहुत वधिया है, ये चॉकलेट दिंदी है, इहने गोदी विच चुक लिया, ये ते मूँह चुमदी है, इहने दो टॉफियां होर फड़ा दित्तियां, पता उदों लगा जो दो चपेड़ां छिटियां जाके, क्योंकि भीख मंगाउणी सी। बिल्कुल इसे ढंग दे नाल मनुख नूं कई वार समझ आउंदी है, चपेड़ां वजदियां चपेड़ां अपने कोलों ही, जिन्हां बारे असीं कहिंदे सी तुहाडे करके बहु परपंच कर पर तन लियावै, तुहाडे करके सुतदारा पै आन लुटावै, उहनां वल्लों ही चपेड़ां वजदियां ना, फिर मनुख नूं होश आउंदी। सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत चहुं दिस घेरै, जिहड़े सुख दे विच नाल आके बहिंदे सी ते चारों पासे घेर के रखदे सी विपत परी, हुण समस्या आ गई, हुण कोई मुसीबत आ गई, सोचिया सी भी हुण सहायता करनगे, हर वेले नाल रहिंदे सी, होया उल्ट सारे दौड़ गए। विपत परी सब ही संग छाड़ित, सब ने छड़ दिता, क्योंकि उह ते अपने स्वार्थ करके बैठे सीगे भी इहदे कोल कुछ मिलेगा, हुण पता लगे ने मंगणा है, हुण ते फोन भी नहीं चुकदे, ते के भुल भुलेखे घर आ जाइए, अपने बच्चे नूं कहिंदे जा कह दे घर है नहीं, पता कुछ मंगेगा, मुसीबत च फसिया होया, इस तरह ही हुंदा है ना। किन्नी सच्चाई है वेखो,
सतगुरु जी कह लगे विपत परी सब ही संग छाड़ित को ना आवत नेरा, कोई नेड़े नहीं आउंदा उस वेले। फिर बंदे नूं पता लगदा कि मैं गलत सी जिहदे ते आस रखनी चाहीदी सी उहदे ते रखी नहीं, ते जिन्हां ते आस रखी सी उहनां दा चेहरा ते आ है। मेरे मालिक ने कहा सुख कै हेत बहुत दुख पावत, जाना सी सुखां दी पर उहदे बदले दुख मिल गए, सगों सोचिया सी सुख होएगा मिल गए दुख। तरीका ही गलत सी, पैसे लुटे सी सोचिया सुख मिलेगा, पता लग गया पुलिस ने चक के सड़ दिता अंदर, ओदे करके ही फसिया। जिदे करके सोचा सुख होएगा उन्हें ही फसा दिता, दोस्त का कतल कर दिता, सोचा एदा रुपया पैसा लैके भज जावांगा, पता लग गया उन्हूं आप फांसी ते चढ़ना पिया। बिल्कुल इसे ढंग दे नाल जिन्हां चीजां विच सुख देख रहे हैं ना, इन्हां ने फसाया सानू, इसे मोह माया ने सानू फसाया है, सानू अपना स्वै रूप नहीं समझन दिता। ते मेरे मालिक ने कह दिता सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की, बंदे बंदे की सेवा करदा फिरदा रहा, यह मैनूं सुख देणगे वह सुख देणगे वह सुख देणगे, ते पता लग गया उन्हें ठुड्डा मार के बाहर छड़ दिता। फिर पा लिया पल्ला गल विच, फिर आया रब चेते। ओवी है ना जिवें एक बच्चा मां दे नाल तुरिया जांदा ते अचानक देखदा कि बिल्ली, बच्चे नूं बिल्ली बड़ी चंगी लगदी, ओ मां दा ख्याल छड़ के बिल्ली पिछे तुर पैंदा। बिल्ली एक थां तो दूजी थां, दूजी थां तो तीजी थां, ए वी उहदे पिछे पिछे, सोचिया मेरी है। हुण दो कारण कई बार वापरदे, जो बिल्ली किसे होर घर विच टप जाए किधर होर चली गई, फिर चेते आउंदा मेरी मां कित्थे, जां जदों बिल्ली मारदी ना चपट्टा इक पंजा मारदी इक, फिर उन चेते आउंदा मेरी मां कित्थे है। बिल्कुल इसे ढंग दे नाल जदों माया जदों दूजे घर चले जांदी है ना, कंगाल हो जांदा तां इहनूं कई वार चेते आउंदा रब, जां फिर जदों इही माया इहनूं चपट्टा मारदी है, इहदे सामणे इहदे पोतियां इक दूजे दे सिर पाड़ रहे हुंदे है, उदों चेते आउंदा फिर रब। फिर गल विच पल्ला पा के वो अरदास करता है, फिर कहिंदा सच्चे पातशाह देख लिया हुण सब कुछ, कुछ नहीं इहदे विच, हुण तूं किरपा कर, जिहदे नाल परम आनंद मिलना है ना, जीवन चंगा मिलना, मैं अपना जीवन चंगा बना सकदा, अपने बच्चों का जीवन चंगा बना सकदा, वह नाम मैनू दे दे। फिर यह अरदास निकलती है फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरण आए, हुण मैं आ गया चंगी तरह भटक भुटक के सारे स्वाद देख के आ गया, मैं छड़ दित्ती आस हुण सब दी, हुण तेरी शरण च आके डिग पिया, हुण तू कृपा कर, नानक की प्रभ बेनती, हे प्रभु नानक दी बेनती है। हुण अपनी भगती विच जो हुण हर वेले तेरा नाम सिमरा, तेरी याद आवे, जदों ये भावना पैदा हो जाएगी उदों फिर जो पहले पदे विच मेरे मालक ने समझाया है ना, साड़ी अवस्था चले जाए अष्टपदी, उस अष्टपदी विच मेरे मालक की बख्शिश करदे हन, आओ समझण दा जतन करिए। जाचक जन जाचै प्रभ दान, सब तो पहली गल जाचक, भिखारी जाचना करने वाले,
ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਆਹ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ MC ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਲਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਰਲਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ ਨਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਚਨ, ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕੁਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ। ਜਾਚਕ ਤੁਛ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣਿਆ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਚਕ ਜਨ, ਉਹ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਚੈ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਨ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਨ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਗਈ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੇ ਹਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਠਹਿਰ ਜੋ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਹਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਹੇ ਹਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ,
जिथे रब की गल करने वाले बैठे ने, मैं उन्हां दी धूड़ मंगदा हाँ, भाव उन्हां दी संगत मंगदा हाँ, उन्हां दे चरणां दे कोल रहना चाहुंदा हाँ। क्यों? मेरे कन्नां विच तेरा नाम पवे, मैनू उन्हां दी संगत बख्श। ये भी असीं रोज पढ़ते हैं, ना हो जती सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। सच्चे पातशाह मैं कोई जत सत नहीं धारण करता, वह मैनू मूर्ख कहने है, जेडे इसे सब कुछ समझते हैं, जो समझते जो चार वेद पढ़े ही नहीं, वह तो मूर्ख है। कहते मैं नहीं यह पढ़िया होया, मैं नहीं यह जति सती, ना हो जति सती मैं नहीं है। मूर्ख मुगधा जन्म पया, वह मूर्ख कहते हैं, कहते वो जा मेरा जन्म, पर मैं एक मंग मंगना है तेरे को। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू ना ही विसरिया। मैं बेनती करना है मैनू उन्हां दी शरण विच रख जिन्हां नू तू भुलदा नहीं कदे। बचन असीं रोज पढ़ते हैं, पर मनो दिलों ऐसी चाहना साडे अंदर होवे, सचमुच ये मंग मंग लीए, फिर गल बने। सतगुरु ही कह रहे ने चे पातशाह, साध जिना की मांगो धूर, मैं तेरे प्यारियां दी चरणा दी धूड़ी मंगना, पावन संगत च रहना चाहना, पार ब्रह्म। हे रब जी मेरी श्रद्धा पूर, मेरी इच्छा पूरी कर दे ना, आ इच्छा है मेरी। बिन भागा सतसंग ना लब्बे, जिन्हू इस गल का पता है वह ये कहेगा। असी तो नाले पढ़ी भी जाने ना, सत्संग जाते भी कोई नहीं, उत्ते बैठना भी सानू औखा लगन लग पैंदा कई बारी, दौड़ आने असी उत्थों दे, क्योंकि केवल पढ़ रहे हैं, हले अंदर की अवस्था नहीं। जिन्हां दी अंदर की अवस्था है वह तो सच्चे पातशाह मेरी ये इच्छा है, शरदा मैंने सरद इच्छा पूरी कर, उन्हां दी संगत मैनू बख्श। असी देखो पढ़ते हाँ ना, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे, ये अरदास है साडी। असी तो उन्हां दी संगत विच जाना चाहुंदे हाँ जिथों रब दे बारे कुछ सुनन नूं मिल जाए। सतगुर कहन लगे पार ब्रह्म, मेरी श्रद्धा पूर, इत्थे पार ब्रह्म संबोधन रूप विच है, आवाज मारनी है, यह पंक्ति पढ़न लग्या रब जी नूं, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, मैं हमेशा हमेशा रब दे गुण गाउंदा रहा, हमेशा हमेशा। यह नहीं कि सवेरे 15 मिनट ही करना है, जपजी साहब का पाठ कर लिया ठीक है ना, पूरी जिंदगी पूरे दिन विच सानू जपजी साहब चेते रहे, हर काम करन लग्या चेते रहे, भाव साडा काम जपजी साहब वर्गा हो जाए, जपजी साहब दे अनुसारी हो जाए। पढ़िया ते सी असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, ते चोर ही बने रहे, हराम खोर ही बने रहे, इस करके पढ़िया सी नहीं, कुछ सीखना सी ये तो। साड़ी पूरी जिंदगी जड़ी है ना वो जपजी साहब अनुसार ही हो जाए, फिर ही कहांगे ना भी सदा सदा है, हमेशा है। संत याद नहीं रहिंदा भी सोदर बाणी ने की सिखाया सी, की असी उस तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पुछी असी अपने आप तो। मेरे मालक कहन लगे सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो, हर एक साह दे नाल हे प्रभु मैं तैनू ध्यावा। देखो एक हुंदा है जपना, ओनू असी फिर जबान दे नाल जोड़ सकते हैं बोलना, पर एक होंदा ध्याना। हुण ध्यान दा संबंध किहदे नाल है? ध्यान नाल, सिमरना,
सिमरना का मतलब स्मरण शक्ति नाल याद करना याद रखना। पढ़िया तो सी लाल बत्ती होवे तां क्रॉस नहीं करना, पर याद ही नहीं रहा। जो लाल बत्ती आई उदो क्रॉस ही कर गए, फिर की होया सी एक्सीडेंट। ओ की पढ़न वास्ते सीगा? नहीं, वह याद रखन वास्ते सी, ताकि जदों ये जे हालात आउण तू इस तरीके दे नाल जीवन बतीत करना है। तू हरी बत्ती उत्ते जाना है, लाल बत्ती ते नहीं जाना। बिल्कुल इसे ढंग दे नाल गुरबाणी विच बहुत कुछ समझाया होया सानू, ते ए करना है ते ए नहीं करना। त्यागना त्यागन निका, काम क्रोध लोभ त्यागना, ते त्यागीए त्यागीए। तो खाली पढ़िया ही ना असी, सतगुरु जी कहन लगे सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो, कृपा कर मैं पढ़ते रहा, पर साह दे नाल हरेक साह दे नाल उदा जीवन बनता नहीं पिया। मैं याद रखा हर वेले सिख रहा, हर वेले पाव में सिखी जीवन बनया रहे। कद चोर वाला जीवन ना हो जाए, डाकू वाला जीवन ना बन जाए, कामी वाला जीवन ना बन जाए, क्रोधी वाला जीवन ना बन जाए। क्यों? क्योंकि तो सिख का जीवन ही नहीं है। हर वेले मैं सिख बना रहा बनया रहा, वो ता ही होगा जे हरेक साह दे नाल मैं तेनों याद रखा तेनों ध्यावा। सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो, चरण कमल स्यो लागे प्रीत, तेरे सोहने चरण। सोहने चरण केड़े? जो सोहने रस्ते चलते है, सोहने चरण ओ जिहड़े सोहने पूरने पाउंदे। हुण ठेके वल नूं जाण वाले चरण किते सोहने होणगे? भावे बूट उहने 20,000 दे पाए होण, पैर भावे उहने दुध दे धोते पए होण, रंग भावे गोरा होवे, उहनां चरणां नूं सोहने नहीं कहा जा सकता। जे ठेके वल तुरे फिरदे आ, विचार वल तुरे फिरदे आ, ओह चरण सुहावे ने जिहड़े गुरु दे मार्ग ते चलदे, जिहड़े रब दे रस्ते नूं रब दे हुकम नूं फॉलो करदे ने, रब दी रजा विच जीउंदे ने। इस करके हजूर कहण लगे सच्चे पातशाह तेरे सोहणे चरण कमल, भाव तेरी रजा, तेरा सोहणा उपदेश जिहड़ा है, जो तू मार्ग दस्या होया चलण वास्ते, कहिंदे उहदे नाल मेरी प्रीत लग जाए। प्रीत असीं गल पिया ढोल नहीं वजाउणा, सगो सानू गल चंगी लगनी चाहीदी है जो गुरु ने कहा है। प्रीत लग आपे नहीं छड़ पावांगे, चा नाल करांगे। सच्चे पातशाह ते सोहणे चरण कमलां नाल मेरी प्रीत लग जाए, भाव तेरा हुक्म मैनू चंगा लगे, फिर की करा भगत करो प्रभ की नित नीत। मैं निता प्रति तेरी भगती करदा ही रहा, प्रभु की भगती करदा ही रहा। निता प्रति भगत का मतलब की होंदा? प्यारा। देश भगत देश नू प्यार करन वाला, स्वामी भगत स्वामी नू प्यार करन वाला, ते प्रभ भगत प्रभु नू प्यार करन वाला। भगती सारे करदे ने, कई माया दी भगती करदे ने, माया दे भगत ने, पर इत्थे भगती प्रभु दी करनी है। कौन करेगा प्रभु दी भगती? जो प्रभु दा प्यारा होएगा, दूजा थोड़ा ना करेगा। सच्चे पातशाह मैं तेरा प्यारा बन जा, मैं तेरी भगती करा, रहमत कर। एक ओट एको आधार, एको ही आसरा होवे, कदे झाक दूजी ना हो जाए। मैं दूजे पासे वेखदा रहा, उधर वेखदा रहा, वह बचा लेगा, वह बचा लेगा। मनुख दे जीवन विच्चों इन्ने देवी देवता प्रकट क्यों होए भला? आस करके। बदल है जो आस पूरी करदा है उहदी पूजा शुरू हो गई, सूरज है जो आस पूरी करदा है उहदी पूजा शुरू हो गई, दरख्त ने ओ आस पूरी करदे ने उहनां दी पूजा शुरू हो गई, पहाड़ है ओ आस पूरी करदा है उहदी पूजा शुरू कर दित्ती, चंद्रमा है ओ आस पूरी करदा है चंद्रमा दी पूजा शुरू हो गई,
हवा है वह आस पूरी कर दी है, उसकी पूजा शुरू हो गई, क्योंकि जो हवा ने काम करना दूजे ने नहीं करना सोचता है। इस करके सब नूं ही रब समझी जाता, कदे किदा लड़ फड़ लिया, कदे किदा लड़ फड़ लिया, कदे किदी पूजा कर ली, कदे किदी पूजा कर ली, इधरों काम नहीं बनया दूजे पासे दौड़ गया, उधरों काम नहीं बनया तीजे पासे दौड़ गया। इन्हें तो जानवर भी नहीं छड़े, जानवरों की पूजा की, सप्पां की पूजा की, चूहे की पूजा की, हाथियों की पूजा की, बांदरों की पूजा की, खोतियों की पूजा की। और सोचिया इतों मिलेगा, मैं वेखे ने इस बंदे जिहड़े खोते की पूजा कर रहे और मंग रहे ने हाथ जोड़ के, असीं की पढ़ते हाँ रोज सोदर बाणी विच। हजूर कहन लगे सब निधान सारे खजाने, सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, ठाकुर दे हाथ दी तली उते तरे होए सब कुछ। पर साडा भरोसा ये तो बनिया ही नहीं, सानू तां लगा किसे होर दी हाथ दी तली ते तरे हत उधर दौड़ पए। कर्म कांड भी ताही आ रहे साडे जीवन विच, कोई सोचता भी वर्त रख ली शायद इहदे नाल ही आस पूरी हो जाएगी, ओट ओदी रख ली वर्त दी, किसे ने दिन दी ओट रख ली फलाने दिन विच आह काम करांगा तां काम बन जाएगा। असी आधार उहनू बना लिया, पत्थरां नूं असी आधार बना लिया, उहदे ते टेक रख ली, अपने उंगलां दे विच नगां वालियां असी मुंदरियां पाई फिरदे आ। मेरे मालक कहण लगे इस तरह नहीं, एक ओट एको आधार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु दा आसरा, होर किसी दा भी नहीं, उहदी टेक होर किसी दी भी नहीं। इत्थों तक मेरे मालक ते कहण लगे बेशक तेरे बड़े प्यारे रिश्ते ने, तेरी जिम्मेवारी है, तू परिवार विच रहना है, पर टेक एक दी हुई है, जनन पिता लोक सुत बनेता, कोई ना किसकी धरिया, धरिया दा ते धेरी है, टेक ही है, आसरा ही है, इको ही है जो सब दा ओट आसरा है, उन्हों ना भुली कदे भी। हुण इह जाणदा है रबी प्यारा जानदा ते मंग भी इहदी मंगदा है कि इह ना सभना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। असीं भी रोज मंगदे इसे करके किते इक नूं छड़ के होर पास ना दौड़ जाइए। एक ओट एको आधार, नानक मंगै नाम प्रभ सार, प्रभु दा नाम जो तत् है ना, जो सार है, वह मंगदा है। मैं फोकट नहीं मंगता, बाकी सब कुछ तो फोकट है, मैं तत् मंगदा तत् है प्रभु दा नाम। इस करके हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ, नानक मंगदा है प्रभु दा नाम जो तत् है, जिदे नाल ही सब कुछ प्राप्त होना है। लख खुशियां पातशाहियां कदों जे सतगुर नजर करे, जे सतगुर कृपा कर दे ते उह समझा दे तत् इक्को ही है, सभे थोक प्राप्त, सारा कुछ मिल जाएगा थोक नाल। कदों जे आवै इक हाथ, क्योंकि उह तत् है, उहदे करके सब कुछ है। मेरे मालिक रहमत कर रहे हैं, अगले पदे विच सतगुर फिर समझाउंदे, प्रभ की दृष्ट महासुख होए, सुख तो वह भी महासुख जिन्हों परम सुख कहा जाता। एक तो सुख होए ना, अज कि प्रशादा बड़ा स्वाद बन जाए, लून मिर्च ठीक हिसाब की हो, बड़ा सुख मिले भाई, साडा सुख तो यह जी है, साडा आनंद यो जी है। लड़ाई हो जाए ना, दो चार गल् मेरे तो वह कह गई होने, दो गल् कही मैं पांच कहती हूँ, बड़ा आनंद आया। असी तो भैड़े बोल बोल के भी आनंद शब्द जोड़ लें, नहीं, हजूर कहें ओ सुख ओ आनंद जो प्रभु के सिमरन तो मिलता है।
ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਘੂਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇ, ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ, ਘੂਰ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਘੂਰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸੂਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਸਮਝੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਧਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਖੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ ਹੈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਣਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹਰੀ ਰਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੰਧਮਨ ਦੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਰਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਸੋਇਨਾ ਵੀ ਰਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ। ਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਏਤੇ ਰਸ ਰੀ, ਇੰਨੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦੀ। ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ,
रस ही नहीं हैगा, स्वाद ही नहीं हैगा। नाम सुनत जन बिछू डसाना, रस ही नहीं हैगा, स्वाद ही नहीं हैगा। ऐ तो इंज लगता है बिछू ने डंग मारिया होवे, कोई विरला ही है। हजूर कहन लगे हरस पावे बिरला कोए, जिन चाखिया से जन तृप्ताने। तृप्त केड़े होए, किस तो तृप्त? इच जो बंदा रज जाता है ना, वो कहता बस होर नहीं चाहिए, असि कि रजे हैं, होर 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 लियाओ होर लियाओ। सहस खट्टे लख को उठतावे, लख आ गए पर तृप्त ना आवे, तृप्ति तो फिर भी नहीं आई। करोड़वान नू भज पिया, नंबर एक ते होर नू भज पिया। साड़िया मंगा ते खत्म ही नहीं होंदिया, क्योंकि इच्छावां ही बहुत हैं, भुखा ही बहुत हैं। भुखा किने गवाणी है, ये भी असीं रोज पढ़दे हां। भुखा सब गवाइयां, किने गवाइयां? प्रभु दे नाम ने, प्रभु दे नाम ने रोज पढ़दे हां। साचा नाम मेरा आधार, वो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। प्रभु दे नाम ने सारियां खाशां, इहदी दौड़ भज ना साडी, जो मन दे विच जिहड़ी हैगी है तड़प है होर चीजां दे लई, आ मिल जाए वो मिल जाए, खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हुण ते शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध सभे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन तुद, पर तेरे बराबरी नहीं है। इस करके उन्होंने तो इच्छा ही नहीं है, हुण ते तेरे नाम की इच्छा है, तेरा नाम है मेरे को बस, होर किसी चीज की लोड़ नहीं है। सतगुरु जी कहन लगे जिन चाखिया से जन तृप्ताने, जिहड़े नाम रस नूं चख लैंदे ने ना, उन्हां दी माया दी भटकणा दूर हो जांदी है। पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, डोलदा मनुख उदों तक ही है ना जब तक इच्छा होवे, मिल गई ते छालां मारन लग पैंदा, नहीं मिली ते रोण लग पैंदा, डोलदा ही है ना दोनों। ज्यादा पै गया इक पलड़े विच थले झुक गया, घट पै गया उपर आ गया, इहनूं ही डोलना कहिंदे ना। मनुख का जीवन भी इस तरह ही है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है, उज पावन बचन ने जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। जदों कुछ प्राप्त करता है उदो हंकार डोल गया, जदों कुछ चले गया उदो रोना कुरलाना शुरू, हाए लुटे गए मारे गए। ते जदों किसी की महत्ता साढ़े जीवन में इन्नी हो गई ना, फिर की आया ते की गया, फिर डोलना कादे वास्ते। जिन्हों हजूर कहते जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह यार पै नहीं जाकै, कंचन माटी माने। कंचन कहते सोना नू, माटी मैंने मिट्टी, इको जी। हुण ऐसा बंदा किथे डोलेगा? वो नहीं डोलेगा। ते हजूर कहन लगे पूरन पुरख, वो पूरन पुरख ने, क्यों? क्योंकि उस पूरन दे नाल जुड़ गए, उस सर्वव्यापक दे नाल जुड़ गए, जिस करके हुण माया दी कोई भी ताकत डुला नहीं सकती। असीं इह बच्चे रोज पढ़ते हाँ, ना वह मरे ना ठागे जाहे, जिनका राम वसै मन माहे, जिन्हां दे मन विच रब वसदा है ना, माया दी कोई ताकत उन्हां नूं डुला नहीं सकती। वह मरदे नहीं है, ठगे नहीं जांदे माया दे हत्थों। सतगुरु कहन लगे क्योंकि पूरन पुरख नाल जुड़ के ऐसे हो गए, नहीं डोलाने सुभार भरे प्रेम रस रंग। प्रेम दे रस दे नाल नको नक भर गए, भाव इन्ना प्रेम रब दे लई। प्रेम सी तां बंद बंद कटाउणा, वह भी खुशी खुशी। किन्ना प्रेम होवेगा मावां दे अंदर,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧਰ ਬਾਣੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਕਮਰੇ ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਖੀ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਭਾਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਹੋਰ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉੱਠੀ ਅਧਿਕਾਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਜਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ, ਏਕਾ ਜੀ ਕੀਚੈ ਲੱਖ ਬੀਸ, 20 ਲੱਖ ਕਰਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਇੱਕ ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਾ ਵਧਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ। ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਨ, ਆਨ ਮੈਨੇ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਸਭ ਤਿਆਗ, ਸਭ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮਿੱਤਰ ਸਕੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਹੀ ਹੋਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਪਕੜੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਪਕੜੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਚਾਨਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਾਵ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ,
ਵਿਕਾਰਮਈ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਨ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨ ਦਿਨ ਲਿਵਲਾਗ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਉਹ ਜਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਿਵ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਨਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਖੋ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਖੋਈ ਗਈ ਸਮਝੋ ਨੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਖੁਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਜ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਈ ਸਮਝੋ ਖੁਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੋ ਖੁਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਖੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਗਲਤ ਸੀ।
सतगुरु कदे भी मैल वाली मत नहीं देंदा, भैड़ी मत नहीं देंदा, वह हमेशा चंगी मत देंदा। नाले ते शब्द है लई, हुण उह ते देण नूं तैयार है, गुरु ते मत हमेशा देण नूं तैयार रहिंदा है, असीं लैण नूं तैयार रहिंदे आ। जे तां असीं लै लई उह मत, फिर इह कुछ होएगा। सतगुरु ने शब्द वरतिया, पहला क्या सेवक, असी सेवक भी बनना है। सेवक कौन हुंदा है? उहदी हर गल मनन वाला। ते जिस सेवक ने सतगुरु कोलों मल रहत मैल रहत मत लै लई, गुरु का उपदेश लै लिया, उह संसार जीवन बतीत किया, गुरु की रजा विच जीवन बतीत किया, फिर उन फल की मिलिया, उहदी मनसा मनसा मैंने मन की इच्छा चाहना उसकी पूरी हो गई। याद रखना, एक साधी मनसा है, एक सेवक की मनसा है। हुण सेवक की मनसा की है? वह अगलिया पंक्तियां भी सतगुरु जी रहमत करते हैं भी सतगुर की मत लैण दे नाल सेवक की मनसा पूरी हो गई। वह कि मनसा सी? जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। मनसा यह सी भी किते रब दयालु हो जाए मेरे उत्ते, वह कृपा दृष्टि कर दे मेरे उत्ते, क्योंकि उहदी कृपा दृष्टि तो बिना तो कुछ होना नहीं। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो असी पढ़ते हैं, तिरछी जी नजर बस पर होवे कृपा दी, फिर मेरे जीवन का दुख जिहड़ा है ना दूर होंदा है। हजूर कहन लगे आ वाली मनसा पूरी हो गई, केड़ी? सेवक नू प्रभु दयाल हो गए। ते जदो प्रभु दयालु हो गया उदो सेवक नू निहाल कर दिता। निहाल मैंने प्रसन्न, खुश, सदीवी आनंद, तृप्त कर दिता। हुण उहदे अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा बाकी नहीं रह गई। कृपा दृष्टि नाल ही असी निहाल होना चेते रखना, नहीं तो असी निहाल हो ही नहीं सकते। हजूर कहन लगे हो जाएगा जदों असी सतगुरु तो निर्मल मत लै लवांगे। होर की होएगा? निहाल किवें होया भला? कुछ ना कुछ ऐसा सी ना साडे कोल जिस करके असी निहाल नहीं सी हो रहे। देखो, गंदगी का ढेर जिन्हें कोल चुकिया होया होवे उहनूं ते खुशबू आनी नहीं, उह ते भावें बाग विच बैठा होवे पर कोल तां उहने गंदगी का ढेर चुकिया होया है ना, उहदी बो ही उहनूं आई जा रही है। उह छड्ड देगा जदों बाग ते खुशबू नाल भरिया होया। इसे तरह ही जदों रब जी ने कृपा कीती ना, फिर की होया? बंधन काट। ए कारण सीगा जिस करके निहाल नहीं सी हो रहा, कट दिते बंधन काट, मुक्त जन भया। पहला सी मुक्त नहीं सी, गुरु की कृपा रब की कृपा तो पहला मुक्त नहीं सी। भला किदे विच बने हुए सी? औगणा विच, विकारां विच, मेर तेर दे विच, वहमां भरमां दे विच, थोड़े कितने बंधन है। लोक लाज विच कट दिते, विकारां दे बंधन कटे गए, बस उन्हां करके ते निहाल नहीं सी हो रहे, उन्हां करके ते रस नहीं सी आ रहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईरखा, द्वेष, निंदिया, चुगली, भ्रष्टाचारी, ये की है? ये बंधन ही ने। कहिंदे कट दिते, जदों बंधन कट दिते ना, ते बंधन कट के ओ जन जिहड़ा हैगा ओ मुक्त हो गया। कदों? जदों सतगुरु तो निर्मल मत लै लई, रब जी की कृपा उहदे उत्ते हो गई, फिर यह सारा कुछ होया। फिर होर की हो गया? जन्म मरण दुख भ्रम गया। इसे करके आए सी ना श्लोक विच ही ना, फिरत फिरत प्रभ आया। हुण ये जन्म मरण का जिहड़ा दुख सी ना, रब तो विछोड़े का दुख, भटकण का दुख, रब तो दूरी का दुख,
कहिंदे उह चले गया ते नाल भ्रम भी चले गया। भ्रम किस चीज दा? मैं कुछ हैगा है, मैं कुछ अलग हाँ। याद रखना भरम ही मनुख नू इस भुलेखे विच पा दिंदा है कि मैं हिस्सा नहीं रब दा। जिवें पानी दी बूंद है, उहदे विच हवा भर गई, हुण जदों ही हवा भर गई ना उह समुंदर तों उत्ते उत्ते नू होण लग पई, हुण लग्या मैं कोई अलग हाँ। भरम है उसका अलग नहीं है, उसका हिस्सा ही है। असि भी अपने अंदर हंकार का ही ना हवा भर लें, फिर भ्रम विच पै जाने कि मैं कुछ हैगा। कहिंदे भ्रम चले गया। यह संसार की असलीयत की है? सानू तो यही सच लगता है, यह भी भ्रम गया। जदों सतगुरु तो निर्मल मत लवांगे तो भ्रम के परदे सतगुर खोले। सतगुर करदा ही यह है, वह भरम के परदे खोल देंदा है। जदों भ्रम चले गया, जन्म मरण का दुख भी चले गया, क्योंकि यह संसार विच लिपायमान होके ते निरंकार नाल साडी सुरत नहीं सी जुड़दी। हुण इह वहम भरम चले ही गया वे ते झूठ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार पता लग गया। हुण फिर सच कौन है? हुण ओ अंदरों भुलदा नहीं, बस जदों ही ओ याद है फिर दुख चले गया। हजूर कहण लगे बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, जीवन दे विच्चों आ बीमारियां चले गईयां। फिर होर की होया? देखो सतगुर दी निर्मल मत लैण दा लाभ किन्ना है। इच पुन्नी शरदा सब पूरी, आ इच्छा पूरी हो गई। मेरी मन दी जिहड़ी शरदा सी ना, मन दी जिहड़ी चाहना सी, सारी दी सारी पूरी हो गई। इह जन कहिंदा है, सेवक कहिंदा है, भला केड़ी इच्छा सी भाई? इच्छा सी मैं रब नाल रवां, इच्छा सी मेरी रब नाल सांझ बन जाए। हुण इच्छा पूरी हो गई, इह शरद पूरी हो गई, मन दी चाहना पूरी हो गई। सतगुरु जी कहण लगे इच पुन्नी शरदा सब पूरी, रव रहा सत संग हजूरी। हुण ते इच्छा पूरी हो गई, हुण ते रब तो बिना कुछ नजर ही नहीं आउंदा, हुण ते लगदा वह मेरे नाल ही है, मेरे विच ही रविया होया है, मेरे नाल है, मैं उहदी हजूरी विच हां, हाजर है वह। कोई भी ऐसी जगह नहीं जिते रब ना होवे। यही तो इच्छा सी ना कि मेरी सांझ बन जाए रब जी नाल। हुण तो जहां जहां पेखो तां हजूर, हुण तो जिथे देखदा मैनूं नजर ही रब आ रहा है, यह इच्छा। हुण तो सारे हिरदिआं विच रब ही बोलदा नजर आउंदा है, सबै घट राम बोलै। हुण तो अपने अंदर भी रब ही नजर आ रहा है, अपनिआं दे अंदर, अपनिआं दे की बेगानिआं दे अंदर भी रब ही नजर आउंदा है, ते कोई बेगाना नजर ही नहीं आ रहा। सब मैं रव रहा प्रभ एक है, पेख पेख नानक बिगसाई। यही इच्छा सी। ते हजूर कहन लगे जदों सतगुरु तो निर्मल मत लै ली फिर आ सब कुछ हो गया। इच पुन्नी शरदा सब पूरी, रव रहा सद संग हजूरी, जिसका सा तिन लिया मिलाए। आ इच्छा पूरी हो गई। आया सी प्रभु दी शरण विच ते कहा सी वी मैनू अपनी भगती नाल जोड़ लै, इच्छा पूरी हो गई। जिसका सा जिदा ए जीव है, जिसदा ए जन सी, उसे ने अपने नाल मिला लिया। तिन लिया मिलाए, याद रखना असी अपने भैड़े कर्मा करके विछड़े सां, किरत कर्म के विछड़े, मिलाना उसे नहीं है। पर याद रखना विछोड़े दा कोई ना कोई ते कारण बनता ही है ना। चलो मैं एक उदाहरण दवां, आ असी कपड़े पाए हुए हैं, हर एक बंदा जिहड़ा है ना उहदी चाहना हुंदी है कि जदों मैं चंगे थां ते जाणा है मैं आह वाले कपड़े पा के जाणा है,
कोई कपड़े उसके मन पसंद के होंगे ने लभद अलमारी के बई वह सूट कितने है वह पा के जाना है मैं पर दो दिन बाद उही कपड़े उतार दिंदा हुण कोई के भलिया तू लभ लभ के कपड़े पाए है हुण क्यों उतारे है तो की जवाब मिलता है ये गंदे हो गए याद रखना फिर मैल ही है जो मालक तो दूरी पैदा कर दिंदी है कपड़े गंदे ना ना होंदे उन्होंने मैल ना लगती तो मालक उन्होंने उतार के पासे ना रखता मालक नूं ते प्यारे सन पर गंदे हो गए इसी करके दूरी का कारण बन गई गंदगी हुण उदों तक वह मालक दे गले ना नहीं लगणगे जब तक साफ ना हो जा जदों धो दिता साफ कर दिता मालक फिर कहिंदा उही पाउणा है क्योंकि चंगा है मन पसंद है सच जानना मेरे मालक नूं असीं पसंद हाँ चंगे लगते हाँ पर जो साडी गंदगी है ना वह दूरी का कारण बन जाती है तो सतगुरु तो निर्मल मत लै लें उदों गंदगी साफ हो जाती है जदों गंदगी साफ हो जाए फिर रब कहिंदा हाँ यही चाहिदा सीगा जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए भगती दे विच नाम दे विच जो लग गए उदो समा गए फिर आ तरीका है रब विच समाउण दा जन किवें समाएगा जे भगती विच लगेगा सेवक किवें समाएगा जे प्रभु दे नाम विच लगेगा प्रभु दे नाम दे नाल रब दी भगती दे नाल समाए ते ओदे विच समाया जांदा है मेरे मालिक ने बख्शिश की ठीक है तू अरदास की कि फिर के तू आ गए है ते तू चाहुंदा है कि मैनू भगती नाल लगा लियो क्योंकि तेनू पता है जे भगती नाल तू लग गया ता ही तेरा विछोड़ा दूर होना है मालिक रहमत करे सानू भी इस गल की समझ आवे अगले पदे विच सतगुरु जी बख्शिश करते हैं सानू समझाते ने भाई कुछ प्रश्न तो अपने अंदर पैदा करो रब नू क्यों भुलाई बैठे हो कोई कारण ते दसो सतगुरु जी ने समझाया सो क्यों विसरै हुण इह सवाल साडे सामने ही है ना सानू ही कीता है ना सो क्यों विसरै जे घाल ना भानै देखो एक सेवक उस मालक का दर छड़ सकता है जिहड़ा कवे भाई मैं मेहनत करदा है पर यह मेहनत का मुल ही नहीं देंदा मेरे तो काम कराई जांदा है पैसा देंदा ही नहीं उस दफ्तर नूं छड़िया जा सकदा है उस फैक्ट्री नूं छड़िया जा सकदा है उस नौकरी नूं छड़िया जा सकदा है जे असी काम करदे हाँ मालक काम लैंदा है पर पैसा ही नहीं देंदा साड़ी मेहनत का मुल ही नहीं पाउंदा उन्हूं ते छड्डो पर हजूर कहण लगे देखो एक निमख मात्र जिहड़ा प्रभु का नाम जप लैंदा है उहदा छुटकारा हो जांदा है असीं किन्ने ये बचन पढ़दे हां एक चित एक छिन मात्र भी जिहड़ा प्रभु नूं चेते कर लवे उहदा पार उतारा हो जांदा है ऐसे बचन एक घड़ी आदि हूं ते आध घट तो घट समा भी तुसीं भगतां कोल बैठ के रब दे नाम विच लगा लिओ लाभ ही होएगा नुकसान नहीं होएगा उसका एक वारी प्रभु का नाम जपांगे करोड़ा पाप नाश हो जाते हैं गावते उधरे गाउण दे नाल सुनन दे नाल भी उद्धार हो जाता है बिनसै पाप कनेरे ते कनेरे दे कनेरे पाप बिनस जाते हैं इहदा मतलब वह मेहनत अजाई तो नहीं जान देता लाभ होंदा है ना सगो सतगुर ते ऐसे बचन भी करते ने भी जिवें एक चिंगारी मना परी लकड़ा भी स्वाह कर दिंदी है ना
ਐਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਰੱਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਗਣ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਰਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤਿਸ ਕੰਠ, ਕੰਠ ਮੈਨੇ ਗਲਾ, ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਭ ਕਿਛ, ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੰਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੇ, ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਾਸ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਜੋ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਜੋਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ,
ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ? ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਜੋ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਣ ਸੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਚਲੋ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਾਸ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਾਸ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਸ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਗਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਗਲ ਲਏ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਚੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ? ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਿਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਦੁੱਧ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਬੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਖਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ 1-2 ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜੁੜਨੇ ਹਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹੈ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ? ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰੱਖ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਦ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ? ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰੱਖ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ
कोई विरला ही है जो सांझ पाउंदा मालक नाल। हजूर कहन लगे सो क्यों बिसरै जे बिख ते कढ है। बिख माया, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। हुण जे मां दी पेट दी अगन तो रब ने बचाया ना, ते ए माया रूपी अग तो भी रब ही बचा सकता है। जिन्हों जहर किया, बिख किया, जिन्हें जहर तो बचाना असी उन्हें भुल गए, दसो साड़ा बचा हो सकता है? जिस चीज ने अग बुझानी सी असी उन्हें भुल ही गए, अग लगी पई है पर चीज भुल ही गए जिन्हें बुझानी अग, फिर तो घर सड़ जाएगा, घर सड़ जाएगा। सानू प्रभु का नाम नहीं भुलना चाहिए। चलो मैं एक उदाहरण दवा, शायद पहला भी सांझी की हो। सारे ने घर गड्डियां रखिया हुई हैं, पेट्रोल ना चल दी है, डीजल ना चल दी है, एदी साडा जिहड़ा जीवन है ना ये माया ना चलता है, माया गुजरान है। जिवें गड्डी विच पेट्रोल या डीजल चाहिए है तां चलेगी, एदे ही सानू माया चाहिए है, पदार्थ चाहिए ने। पर चेते रखना उस गड्डी विच खाली पेट्रोल या डीजल ही नहीं पाया जाता, उहदे अगे कूलेंट भी पाया जाता है। कादे वास्ते? ताकि वह पेट्रोल और डीजल गड्डी नू साड़े ना, नाल दी नाल ठंडा करन दा काम करी जांदा है। ते जे किते उहदा ध्यान ना रखिए ते पेट्रोल डीजल ही भराई जाइए पर कूलेंट दा ध्यान ही ना रखिए, उही पेट्रोल उही डीजल गड्डी नू अग ला देंदा है, सड़ जांदी है गड्डी। बिल्कुल इसे ढंग दे नाल ये माया जिहड़ी है ना, ये भी साड़न वाली हुई है। प्रभु का नाम ही है जो ठंडा रख सकता है साडे जीवन नू। माया होएगी पर साड़ नहीं सकेगी, गड्डी चलेगी साडी ठीक, पर जे किते उहदा ध्यान ही ना रखिया फिर यही माया साडे जीवन नू तबाह कर देगी, साड़ देगी। ते जिस प्रभु ने तबाह होण तो बचाना सी, जिस प्रभु दे नाम ने इस अग तो बचाना सी, असी उहनूं भुल गए। हजूर कहन लगे सो क्यों बिसरै जे बिख ते कढ है। जन्म जन्म का टूटा गंढ है, जन्मा जन्मांतरां दा टुटिया होया जिहड़ा उहनूं गंढ दिंदा है, पग ठीक कर दिंदा है। जिवें आपां जुत्ती गंढा लैंदे आ, जुत्ती ठीक हो जाती है, कोई बर्तन टुट जाता है उहनूं गंढा लैंदे आ ठीक हो जाता है। एदी साडा जीवन टुटिया होया है, गंढना उहने ही है, उहदी कृपा दे नाल ही असी ठीक हो सकांगे, पर उसनूं भुल ही गए। फिर दसो किवें ठीक करावांगे जे सानूं भुल ही गया कि फलाना बंदा इहनूं ठीक कर सकता है, ते किवें ठीक होएगा फिर? हजूर कहन लगे उही है जो जन्म जन्म का टुटिया होया साडा जो हिरदा है ना, प्रभु गुणा तो टुटिया होया है, अपने असले तो टुटिया होया है, उहनूं जे कोई गंढ सकदा है ना अपने नाल, उह रब है, उहदी सिफत सलाह है। पर इह समझ कित्थों आएगी? हजूर कहन लगे भाई जे तू गुरु कोल जावेंगा, क्योंकि गुर पूरै तत इह बुझाया, पूरे गुरु ने यह तत् चंगी तरह समझा दिता भाई रब नू भुलना नहीं चाहिए, वह हमेशा ध्यान विच रहना चाहिए, उस अनुसारी ही कार्य होने चाहिए है, रब दे डर विच जीवन बतीत करना चाहिए, उहदे भै भावनी विच जीवन बतीत करना चाहिए, आपे तो को बुरा काम नहीं होएगा फिर तां तेरा जीवन सफल होएगा। यह तत् कि प्रभु का नाम ही तेनू बचाउण वाला है, जदों उन्हें तत् समझा दिता बुझा दिता फिर प्रभ अपना नानक जन त्याया। समझ आ गई ना? गुरु ने बुझा दिता ना, ते फिर मैं वो काम करना शुरू कर दिता जो गुरु ने कहा सी, फिर ते मैं बन गया जन, नहीं ते नहीं बनया, सिख नहीं बनया फिर।
हजूर कहन लगे जिन्हों बुझा दिता ना वह बन गया जन, फिर उन्हें प्रभु छड़िया नहीं कदे भी, हमेशा ध्याया है, हर ध्यान रखिया, हर काम कर लग्या, कदे भी मन तो पासे नहीं होया, भावें बच्चों के विह किते, भावें भाणे घर वापर गए, पर ध्याया उहदी रज़ा विच रहा। इस करके जीवन जिहड़ा हैगा डगमगाया नहीं, डोलिया नहीं, ठीक रहा। फिर मेरे मालक कहन लगे जदों इस तरीके दे नाल जीवन बतीत करांगे तां जीवन सफल होएगा। अगले पदे विच हजूर बख्शिश करदे हन, साजन संत करो एह काम। सतगुरु ने रहमत कीती, हे सज्जनो, हे संत जनो, देखो मेरे मालिक सानू भी जो संबोधन करते ने ना, सानू भी संत जन कहते ने, हालांकि असं काम कर नहीं रहे, ताही तो क्या ये काम करो, जैसे काम करते होंगे तो सतगुरु जी क्यों कहते काम करो, असं काम नहीं भी कर रहे तो भी मेरे मालिक के अंदर किन्ना प्यार है, सानू संत कह रहे ने, सानू साधन कह रहे, असं भावें सज्जन बनाइए ना बनाइए गुरु नू रब नू, पर रब सानू सज्जन बनाउंदा है, गुरु सानू संत सज्जन बनाउंदा है, ते प्यार नाल आवाज मारदा है साजन संत, हे सज्जनो, हे संत जनो, करो ये काम, तुसी ये काम करो जी। केड़ा काम? आन त्याग, बाकी सब कुछ छड़ दो, सारा कुछ त्याग के, वहम भरम त्याग के, पखंड त्याग के, असी जो जो चुकी फिरते हैं ना, असी हर नाम नहीं पकड़िया, बाकी सब कुछ ही पकड़ लिया, असी जिन्हें कर्म कांड पकड़ लेना उन्हें हर नाम नहीं पकड़िया। तुसी वेखो बाणी पढ़नी सी कादे वास्ते, बाणी विच की है भला, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत, नाल क्या सारे संभाल, बाणी पढ़नी सी उहदे विच अमृत, तो उस अमृत नूं असीं संभालना सी, उस अमृत नूं असीं संभालना सी, पर होया की, किसी ने कहा जी पूर्व दिशा वल मूंह करके बाणी पढ़ूंगे तो फल मिलूंगा, असी बाणी दा विचला अमृत नहीं संभालिया, वो कर्म कांड संभालिया, पूर्व वल मूंह करके पढ़न लग पे। किसी ने कहा भी 101 वारी तुसी इनू पढ़ोगे तां तुहाडा काम होएगा, बाणी विच सी अमृत, उहनू ते संभालिया नहीं, 101 गिणती दे पिछे पै गए, उह स्पीड इन्नी कर दित्ती समझ ही कुछ ना आवे भी की बाणी कह रही है, संभालना की है, असी जे समझ नहीं आई बाणी सानू कहिंदी की है। किसी ने कहता कि बाणी नू लिख के अपने को रख लै, बाणी विच तां सी अमृत, उन्हों पढ़ के समझ के अपने जीवन में ढालना सी, असी कागज ते लिख के जेब च पा के बह गए, बस असी एहो जे काम बड़े सामने, हर नाम नहीं संभालिया। सतगुरु जी रहमत करके कहन लगे भाई इस तरह ना करो, तुसी एक काम करो, साजन संत करो एह काम, आन त्याग, बाकी सब कुछ त्याग के, सब कुछ छड़ के एक काम करो, जपो हर नाम, तुसी हर नाम जपो, लोक लाज छड़ो। कई बार अपन लोक लाज करके कुछ काम करी जा रहे हैं जो नाम विच नहीं आउंदा, कहते सब कुछ त्याग के केवल हरि नाम जपो। भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर लै चलो, हर वखर हर जस वखर लै चलो, सतगुर हमेशा ही कहते हैं शौ देखा पति आए, इहां खाट चलो हर लाहा, बार बार हरी दा नाम उहदी गल कीती जा रही है, असी उधर ध्यान ही नहीं देंदे, ध्यान ही नहीं देंदे, कर्म कांडा वाल ध्यान साडा बहुत है, ढंग उहदे वाल बहुत है साडा। सतगुर कहन लगे ना भाई आन त्याग, जपो हर नाम, सिमर 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 सुख पावो। असी चाहते तो सुख ही सी सारे,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜੇ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਖਾਲੀ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪ ਜਪੋ, ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਆਪ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜ ਜੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 18 ਸਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਜੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 18 ਸਾਲ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਡਭਾਗਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਾਂ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਚੋ 18 ਸਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਹਿਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜਪੋ, ਆਪ ਜਪੋ, ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਓ ਆਓ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬੈਠੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਪੋ, ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ। ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹਾਂ, ਕਈ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਐਨ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਜਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਭਾਏ ਭਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੱਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ,
पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाल है हम देखा तह डूबी अले साडी गल ही है हजूर कहते असं देखिया उस डुबद्या होया असं डुब रहे हैं इस संसार विच विकारा दे विच तरिया जा सकता है किवें प्रेमा भगती नाल क्यों क्या भी भगती चलाओ श्लोक विच ये गल क्यों है सच्चे पातशाह मैं फिर के आ गया कृपा कर मैं भगती चला उहदा कारण है क्योंकि यह संसार तो तरे ही जा सकता है जे प्रेमा भगती होवे भगत पाए तरिए संसार ते जे भगती नहीं बिन भगती तन होसी छार जे भगती नहीं है ना तन ते मिलिया अमोलक जन्म मिलिया मानस जन्म अमोलक पायो पर करता स्वाह स्वाह हो गया कुछ भी नहीं लाभ कुछ भी नहीं प्राप्त किया मर गया बस खत्म हो गया जो ये गोविंद नू मिलन दी वारी सी निकल गई मिलिया ते है नहीं क्यों क्योंकि भगती नहीं सी कहते भगती होनी चाहिदी है भगती मैंने रब का प्यार होना चाहिदा है देश भगत देश नू प्यार करन वाला भगती दा अर्थ ही प्यार करन वाला प्यार करिए रब जी नू हजूर कहंदे जे नहीं है बिन भगती तन होसी छार सर्व कल्याण सुख निध नाम सारे कल्याण सारिया ही बरकतां सुखां दे खजाने मेरे लिए भाई प्रभु दा नाम है प्रभु दा नाम की है सर्व कल्याण सारिया बरकतां जे प्रभु दा नाम है तो समझो सारिया बरकतां साडे कोल हैगियां है जे प्रभु दा नाम है तो समझो सारे सुखां दे खजाने हैगे निध अर्थ खजाना सुख निध सुखां दे खजाने की प्रभु दा नाम बूढ़त जात जे डुबदे जा रहे हैं ना इस संसार समुंदर विच वेखो किन्नी वारी गोते आए सानू काम करके क्रोध करके लोभ करके मोह हंकार करके डुबदे जा रहे हैं असीं पर कहिंदे विश्राम प्राप्त कर लैणगे शांति प्राप्त कर लैणगे क्योंकि हुण गोते नहीं आणगे हुण असीं डुबांगे नहीं पर किवें जे नाम होएगा ते जे नाम है ते सारियां बरकतां सारे सुखां दे खजाने नाम है ते डुबदियां नूं भी सहारा मिल जांदा है शांति मिल जांदी है क्योंकि डुबणों बच जांदे ने होर की हुंदा है सगल दुख का होवत नाश साडे विच है जिहड़ा ए ना चाहुंदा होवे कि मेरे दुख नाश ना होण असीं रोज पढ़दे हां अक्सर पढ़दे हां दुख भंजन तेरा नाम जी भंजन मैंने नाश करन वाला दुखां दा नाश करन वाला है तेरा नाम पर आपां कह ही दिंदे आ शायद मन्निया नहीं मन लईए विश्वास धारण करिए इहदे उत्ते सतगुरु जी सानू बख्शिश करके समझाउंदे हन सगल दुख का होवत नाश सारे दुखां दा नाश हो जांदा है मैनू कह लैण देना सिर दुखदा है इहनू तां आपां दुख कह लिया मेरी पिट दुखदी है इनू ते दुख कह लिया मेरे दिल दे विच पीड़ रहिंदी है इनू ते दुख कह लिया मेरे विच विकार है इनू दुख किया ही नहीं मैं लगदा सी मेरे विच लोभ ज्यादा इनू दुख किया ही नहीं ते इस करके जो दुखां दे नाश दी गल आउंदी है ना साडा ध्यान इधर जांदा ही नहीं विकारां दे नाश वल जांदा ही नहीं दूजे दुखां वाल जांदा है जो तो सारिया के जीवन च आना ही है यह जे सुख तो यो जे दुख तो मेरे मालक कहते कपड़े हैं भाई पाने पैने हैं सुख तो दुख जड़े ने वह दोनों प्रभु के दर के कपड़े ने मनुखा ने पाने ही है जो दुखा का नाश आता है असं केवल उत्थे तक ही सीमित रह जाते हैं दुख सुख दोए दर कपड़े असं भुल जाने सानू इंज लगता भी शायद इन्ह दुखों की गल है मेरा सिर दुखना हट जाएगा मेरे ढिड की पीड़ हट जाएगी पर वे दुखों वाल ध्यान ही नहीं शायद साडा
ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋੜ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ। ਗੁਣਤਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਜਪੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਮਨ ਧਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਉਹ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਓ। ਸੁਆਓ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਵਾਰਥ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਖਾਂਜਰਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾ ਇਹੀ ਸੁਆਓ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਸ ਤੇ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੇਤਰ ਪੇਖ ਦਰਸ਼ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਲਸਾ ਹੋਏਗੀ ਚਾਹਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੀ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸਵਾਓ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸਵਾਰਥ, ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਿਆ ਦਾਤਾ, ਆ ਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰਸ਼ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿਕਸੈ,
साध चरण धोए फिर उदा मन खुश हो जाता है, विकस जाता है गुरु के चरण धो के, भाव गुरु की संगत करके, क्योंकि उसकी इच्छा सी, इच्छा पूरी करने वाला आ गया, वह खुश होता है। भगत जना कै मन तन रंग, जे भगत जाने ना रब दे प्यारे ने, उन्हां दे मन विच उन्हां दे तन विच भाई रब दा रंग है, उन्हां दे मन उत्ते भी रब दा रंग है, उन्हां दे तन उत्ते भी रब दा रंग है। भाव मन दे विच ख्याल फुरने रब, उन्हां तन दे उत्ते दीआं निशानियां, तन दी हरकत जो रब चाहुंदा है, इनू कहिंदे वी उन्हां दा रोम रोम जिहड़ा हैगा ना प्रभु नूं त्यार आ, क्योंकि उन्हां उत्ते होर कोई रंग, साडे उत्ते तो माया दा रंग है। असीं रोज पढ़दे हां जन्म मृथा जात रंग माया कै, साडा जन्म क्यों व्यर्थ जा रहा। सानू मेरे मालिक समझाउंदे संजाम लाग भवजल तरन कै, इंतजाम विच लाग इस भवजल नूं तरन वास्ते। वह इंतजाम की सी? प्रभु दा नाम, प्रभु दी प्रीत, वह तो है नहीं, ते जिदे नाल मेरा मन लग्या होया है वह तो विकार कर रहा मेरा जन्म, जन्म वृथा जात रंग माया कै। पर भगत प्रभु दे प्यारे ने ना, उन्हां दे अंदर किसदा रंग है? भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग। भगत जना दे अंदर रब दा रंग है, ते कोई विरला ही है जिहड़ा उन्हां दा साथ प्राप्त करदा है। सानू भी जिहड़ी है ना खुशी मिलदी है साकतां कोल बैठ के, जो गप्पां सुनाण, एवें इधर उधर दी निंदिया चुगलियां सुनाण, उन्हां कोल बैठण दा सानू भी बड़ा स्वाद आउंदा है। पर जिहड़ा कोई रब दी गल सुणावे उहदे कोल ते असीं बहिंदे ही नहीं। कोई विरला ही है जिहदे अंदर इह चाह हुंदा, उह उन्हां दा साथ प्राप्त करदा है, उह उन्हां कोल बैठदा है, उह उन्हां दी संगत विच जाके ते रब दे गुण गाउंदा है। विरला को पावै संग, कोई विरला ही है जिहड़ा ऐसे भगत जिन्हां दा संग प्राप्त करदा है। ते फिर कहिंदा है एक बस्त दीजै करमया, एक बस्त दीजै करमया, मया दा अर्थ है किरपा, इहनूं माया नहीं बोलना, किरपा करके भाई एक वस्त दे दित्ती जाए, किरपा करके मैनूं आह एक वस्त दे दिओ जी। केड़ी वस्त तुहानूं चाहीदी है? गुर प्रसाद नाम जप लिया, भाव अर्थ साडे उपर मेहर कर, सानू समत बख्श ता कि असी गुरु की कृपा दे नाल तेरा नाम जप सकीए। ये अरदास है रब नू कहीए सच्चे पातशाह। गुरु कोल बैठन नू जी नहीं करदा, है तो उहदे कोल ही है सब कुछ, पर आपां विरलियां विच आ ही नहीं रहे, सानू चंगा ही नहीं लग रहा। इस करके कृपा करके एक वस्तु दे दिओ कि गुरु की कृपा दे नाल आपां भी नाम जप लईए, असीं भी गुरु की कृपा दे पात्र बन जाइए। फिर की होएगा? ताकि उपमा कही ना जाए, फिर समझ आ जाएगी। सतगुरु जी कहन लगे कि वह वाहेगुरु जिहड़ा है ना सारे पास जिहड़ा समाया होया है, भाई उहदी उपमा कही नहीं जा सकती, ये समझ आ जाती है। ताकि उपमा इत्थे तां रब वास्ते है, उस रब की वडियाई कही ना जाए, नहीं कही जा सकती। नानक रहिया सर्व समाए, वह सारे पासे व्यापक है, सब च समाया होया है, उहदी वडियाई नहीं बयान की जा सकती। ते मेरे मालिक अगले पदे विच बख्शिश करते हैं, प्रभ बख्शंद दीन दयाल। हुण इहनू पढ़न लग्या बड़ा ध्यान रखना पेगा, जो ध्यान नाल पढ़ांगे फिर एवें नहीं पढ़ांगे, फिर किवें पढ़ांगे? प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। रब नूं आवाजां मार रहे हां,
रब दे गुण है एक एक शब्द विच, प्रभ हे मालक बख्शंद हे बख्शिश करन वाले खिमा करन वाले दीन दयाल हे गरीबा ते दया करन वाले भगत वच्छल हे भगती नू प्यार करन वाले सदा कृपाल हे हमेशा कृपा करन वाले कृपा दे घर अनाथ नाथ हे अनाथा दे नाथ उना दे मालका गोविंद धरती दा सहारा गोपाल धरती नू पालन वाले सर्व घटां करत प्रतपाल सारिया दे हिरदयां दी प्रतपालना करन वाले आद सबदा मोढ़ी पुरख हे सर्व व्यापक कारण करतार हे करतार सब कुछ करन ते सब कुछ कारण करन वाले भगत जिना के प्राण आधार भगतां दे जिंद दे आसरे मैं कहना चाहुंदा जो जो जपै सो होए पुनीत। जो जो जपदा है ऐसे प्रभु नू जो जो जपदा है वो पवित्र हो जांदा है, पवित्र हो जांदा है। ऐसे प्रभु नू जो बख्शिंद है दीन दयाल है भगत वच्छल है उपर किनिया मालक ने बख्शिशां कीतियां रब दा नाम लिया कि असीं वी प्यार नाल लै लईए महसूस करके लईए इनाम वी रब है। जो जो जपै भावें अमीर होवे भावें गरीब होवे भावें किसी भी जात का होवे किसी भी बोली का होवे कोई भी काम करने वाला होवे जो जो जपै खाली सिखां दी गल नहीं है जो जो जपै सो होए पुनीत। पुनीत मैंने पवित्र जीवन वाला भगत पाए लावै मन हीत। पर जपना किवें है प्रेमा भगती नाल मन दे विच हित लावे हित मैंने प्रेम हितू जी नूं असीं कहिंदे आ मन विच चंगा भी ते लगे। हजूर कहिण लगे भगत भाए लावै मन हित ते फिर अरदास भी करनी है अपने बारे भी जानना भी तू ते ये सब कुछ हैगा मैनूं पता लग गया तेरे वर्गा कोई उच्चा नहीं तेरे गुणा नूं जिहड़ा भी गायन करदा है तेरे दैवी गुणा नूं जिहड़ा भी धारण करदा है वह पवित्र हो जांदा है मैनूं पता लग गया। जो प्रेम विच आके अपने मन दे विच तेरा प्यार धारण करके करदा है वह पवित्र हो जांदा है। ते मैनूं ते बड़ी लोड़ है पवित्र होण दी क्यों क्योंकि मैनूं पता है हम निर्गुणियार नीच अजान जिस चीज की लोड़ होवे उही चीज लैण जांदे आ ना असीं। हुण रब की देण वाला है वह पवित्र जीवन देण वाला है रब की करन वाला है वह पुनीत करन वाला है। ते मैनू लोड़ है इस चीज की क्योंकि मैं ते गंदा बहुत हाँ काम क्रोध नगर बहुत भरिया बहुत काम दे नाल बहुत क्रोध दे नाल विकारा नाल भरिया होया है। ते मैं ते चाहिदा कोई ऐसा जो सफाई कर दे हे रब जी तुसी पुनीत करन वाले हो ते तुसी बख्शांद तुसी ये नहीं देखते भी ये किन्ना गंदा है इन्हें किन्ने पाप किते है। इस करके मैं आया मैं जानदा कि मैनू बड़ी लोड़ है इस चीज की इस करके मेरे मालक ने बचन सांझे किते कहन लगे हम निर्गुणियार असी ओ है जिच कोई गुण नहीं बिना गुणा तो नीच अजान भैड़े काम करने वाले अजान जो बिल्कुल अनजान जानते ही कुछ नहीं काम करना चाजी कोई नहीं है। नानक तुमरी शरण पुरख भगवान हे सर्व व्यापक हे रब जियो तेरी शरण विच आया तुहाडी शरण विच आया रहमत करो मैनू भी भगती दियो मैं भी पुनीत होना चाहुंदा है मैं भी पवित्र होना चाहुंदा है। इसे करके असीं अरदासां करदे आं रोज पढ़दे आं ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगधा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू ना ही विसरिया। सच्चे पातशाह मैनू उन्हां दी शरण विच रख जिन्हां तू कदे भुलदा नहीं है मैं होर कोई जत सत नूं नहीं जानदा। असीं इह भी रोज पढ़दे आं जप तप संजम धर्म ना कमाया
सेवा साधना जानिया हर आया, कहो नानक हम नीच क्रमा, शरण परे की राखो शर्मा। अपना पता है जो असी आवाजा मारते हैं ना, हर के जन सतगुर सत पुरखा विनो करो गुर पास, पता अपना की है, हम कीड़े किरम तुच कीड़े हाँ से, पर तेरी शरण विच आए, तेरी शरण विच आए। सतगुरु जी इत्थे ही बख्शिश कर रहे हैं, सच्चे पातशाह सानू ये पता है हम कीड़े किरम, सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास, दया कर नाम दा चानन बख्शिश कर। ते मेरे मालक यही कुछ सुखमनी साहब विच कह रहे ने, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। हे रब जी तेरी शरण विच असी आए हाँ। अखीरले पदे भी सतगुरु जी रहमत कर रहे हैं, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, सारे स्वर्ग असी प्राप्त करना चाहते हैं। हजूर कहते प्राप्त हो गए भाई, असी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हजूर कहते मिल गए। असी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, हजूर कहते मिल गए। किवें मिल गए भाई, ये सब कुछ किवें मिलता है? सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, किवें? एक निमक हर के गुण गाए, एक निमक अख चमकण दे समय जिन्ना, पाव थोड़े जे समय जिन्ना, थोड़े जे समय जिन्हें भी जिन्हें हरि दे गुण गा ले ना, ते सारे स्वर्ग प्राप्त कर ले, मुक्ति प्राप्त कर ली, मोक्ष प्राप्त कर ले उसने। ते दसो इना लाभ है, ते असी क्यों नहीं गाउंदे? गाना चाहिदा है प्यार नाल, इसे करके फिरत फिरत प्रभ आया श्लोक दे विच, इसे करके गल कही सी। ते कहता सी तेरी शरण विच आके पै गया, ते अरदास कर दिती सी सच्चे पातशाह रहमत कर फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरण आए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। लाल है मैनू अपनी भगती विच, क्यों? क्योंकि आ सारा कुछ प्राप्त हो जाता है, मैनू पता लग गया सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनेक राज भोग बढ़ियाई। असी राजे बनना चाहते हैं, असी सारे पदार्थों को भोगना चाहते हैं, असी वड्याई प्राप्त करना चाहते हैं। तरीका ही है अनेक राज, एक भी नहीं, अनेक भोग, अनेक सब जुड़ जोड़ लो, अनेक वड्याई अर्थ कर लई, कई राज कई पदार्थों के भोग, जय जयकार। किवें? हर के नाम की कथा मन भाई, जदों हरी दे नाम दी कथा मन विच भा गई, चंगी लग गई, उदों 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 ये सब कुछ मिल जांदा है, अनेक राज भोग समझो, सारा कुछ भोग लिया मैं, सारे राज माण ले, सारियां वड्याईयां मेरियां हो गईयां, जदों रब दे नाम दी कथा मन विच चंगी लगनी शुरू हो गई, चंगी लगनी शुरू हो गई। सानूं चंगी नहीं लगदी कई वारी, करदे वी हां सुणदे वी हां, पर मन विच चंगी नहीं लग रही, क्योंकि प्रेमा भगती नहीं, भगती नहीं है। फिर मेरे मालक कहन लगे, भाई बड़े कपड़े पा ले, बड़े भोजन छक ले, बड़ा संगीत सुन के आनंद प्राप्त कर लिया, पर ढंग मेरा निराला है। केड़ा? जो सेवक करदा है, बहु भोजन कापर संगीत कदों, जदों रसना हरी 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 जपदी है हर रोज, उदों मैं सारे भोजन कर लैना है, सारे कपड़े प्राप्त कर लैना है, सारे संगीत खुशी देने वाले मैं सुन लैना है, कदों? जदों मेरी रसना हरी हरी जपदी है। बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। आओ असी भी जपिए, भली सुकरनी शोभा तनवंत,
भली करनी, चंगे चंगे काम करने वाला। लोग कहन बड़ा चंगा भाई, जो मैं प्रभु की रजा विच जीवन बतीत करदा, गुरु की गल चेते रखदा, रब के गुणा नूं अपने जीवन च समाउंदा, उदों मेरे करनी गलत किवें हो सकती है। जे हर काम करन लग्या मैनूं मालक दा सुनेहा याद है, फिर मेरा काम गलत किवें हो सकदा है। हर काम जे मैं गुरु की आग्या अनुसार कीता है, फिर गलत किवें हो सकदा है। इस करके मेरी करनी भली हो गई। हजूर कहन लगे भली सुकरनी, ते जो करनी भली होएगी उदो शोभा भी होएगी, उदो शोभा भी होएगी। भली सुकरनी शोभा धनवंत, उदो असीं धन वाले भी हो गए। समझो साडे को दौलत इकट्ठी हो गई, पर किवें? हिरदै बसे पूरन गुरमंत, जदों पूरे गुरु दे उपदेश बस जांदे हां साडे हिरदे विच, उदों हुण साडे हिरदे विच गुरु दे उपदेश वसदे ही नहीं, साडी भली करनी हुंदी नहीं, जिस करके शोभा हुंदी नहीं। तरीका है, आओ अपने हिरदे विच पूरे गुरु दे उपदेश वसाइए, ताकि साडी करनी चंगी हो जाए। अरदास करिए, साध संग प्रभ देह निवास, हे प्रभु जीओ साध संग विच मैनू वासा देओ, मैं जाके बैठा सत्संगत करा, उत्थे टिकाणा देओ मैनू। असी कई बार जांदे जरूर हाँ, असी टिकाणा ही नहीं करदे, टिकदा ही नहीं साडा मन। बैठिए उत्थे, वास करिए उत्थे। शरीर कई बार हुंदा है सत्संगत विच, गुरु कोल कई बार शरीर बैठा हुंदा है, पर वास नहीं उत्थे हुंदा, वास किसे होर पासे ही, मन होर पासे ही दौड़िया होया। हजूर कहंदे सच्चे पातशाह रहमत कर, साध संग प्रभ देह निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। मेरे मालक कहन लगे क्योंकि नेक पुरशां दी संगत करन नाल ज्ञान दा प्रगास हो जांदा। गुरु दी संगत करन दे नाल ज्ञान दा प्रगास हो जांदा, जिहदा सदका हरेक प्रकार दा सुख मिल जांदा। इस करके मेरे अंदर भी उह चानन बख्शिश कर, मैं भी चाहुंदा सारे सुख मैनूं मिल जाण जो असल सुख हन, जो मन दे आत्मा दे सुख हन। शरीर दे सुख ते बड़े भोगले, एसी लग गया साढ़े घरां दे विच, मखमली बिस्तरे आ गए साढ़े कोल, खाण पदीत नूं सेब संतरे आ गए साढ़े कोल, शरीर दा सुख बड़ा भोग लिया, सच पातशाह आत्मा दा सुख ही नहीं हैगा, अध्यात्मक जीवन दा सुख ही नहीं हैगा। उह सुख मिलना सत्संगत विच। इस करके गुरु दा संग बख्शिश कर, साध संग प्रभ देह निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। मैनू सारे चानन प्राप्त होण, सारे सुख प्राप्त होण, इस करके गुरु दा संग उत्थे मैनू वासा, उत्थे टिकाणा बख्शिश करो जी। इत्थे वीवी अष्टपदी समाप्त हो रही है जी, होईयां अनेक भुलां लई दास खिमा दा जाचक है, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।